इस महाशिवरात्रि शिव का ऐसा नाम, शिव का ऐसा मंत्र जो करेगा बेड़ा पार, होगी हर इच्छा पूरी, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना से, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो? कहती है ना, अपनी भक्ति में इतनी शक्ति जगा लो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए कि ले भाई जा, हो गया तेरा बेड़ा पार। सीधी सी बात है, कोई घबराने वाली बात थोड़ा होती है, सीधी बात। अब पहली चीज ये समझने की कोशिश करना, शिवरा कभी शिवजी की मूर्ति देखी आपने? शिवजी का कभी आप चित्र देखोगे तो कैसे ध्यान में? हम सारी चीजें दुनिया भर की करने लग जाती है, जो मेन चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। पाशा लोगों, मेन तो ध्यान ही है। ध्यान, साधना, जप से ही कहते ना उस परमात्मा से मिल पाएंगे, और सारे कष्ट कहते ना, ये तो फिजिकल लेवल की जो 3D लेवल की चीजें हैं उसको हम लोग कहीं ना कहीं निपटा पाएंगे, उसको कहीं ना कहीं कहते ना वो पार कर पाएंगे। सीधी सी बात है। अब पहली चीज है, मैंने आपको अभी पीछे जब शिवरात्रि की वीडियो बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि आपने क्या क्या करना है? एक और चीज बताती हूँ, शिवलिंग पे हमने अभिषेक उस दिन करना है। किससे करना है? दूध से करना है, दही से करना है, शहद से करना है, घी से करना है, और भस्म से करना है कि नहीं? ये तो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहली चीज जो आपको आज मैं मंत्र देने जा रही हूं, अगर आपने ये कंटिन्यूटी में कर लिया, पाशा लोगों इतना कहते हैं ना, जिन लोगों को भी वैवाहिक समस्या है, जिन लोगों के काम नहीं बन पा रहे हैं, जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जिनको ऊपरी बाधा है, नजर दोष है, मैं कहती जो भी ऊपर वाले से बढ़कर थोड़ा कुछ है, सीधी सी बात है, उनको ही मनाना है, अपने को उनको ही मनाएंगे, उन तक पहुंच जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। सबसे पहले दूध से करना है। कैसे करोगे? ओम रीम ईशानाय नमः, ओम रीम ईशानाय नमः, दूध से ओम रीम ईशानाय नमः, ओम रीम ईशानाय नमः, ऐसे। उसके बाद किससे करोगे? दही से करोगे। ओम रीम अघोराय नमः, ओम रीम अघोराय नमः। शिवजी को क्या, शिवजी तो कहते ना तंत्र के जनक है, सीधी सी बात है, उनको अघोरी भी बोलते हैं ना, सीधी सी बात है। ओम रीम अघोराय नमः, जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं, जितना सब कुछ है, ये चीज कहते हैं ना काट डालेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं इसके अंदर, सीधी बात है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपने घी से करना है। जब घी से करोगे तो क्या बोलोगे? ओम रीम वाम देवाय नमः, ओम रीम वाम देवाय नमः, साइड पे दिया होगा, ओम रीम वाम देवाय नमः। इसके बाद आप किससे करोगे? इसके बाद आप करोगे शहद से, और शहद से जब आप करोगे तो उसका मंत्र क्या होगा? ओम रीम सद्योजताय नमः, ओम रीम सद्योजताय नमः। इसके बाद आप करोगे किससे करोगे? भस्म से करोगे। भस्म मैंने कैसे आपको बताया, पहले भी बताया हुआ, अभी फिर बता देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भस्म को गाय का उपला ले लो, गाय का उपला अपना, उसको आपने पूरी उसकी राख बना देनी है। मैं तो कहती अगर सफेद चंदन का टुकड़ा अपने पास है तो वो भी कर देना, उसकी जो राख है उसको छान देना उसकी राख से। फिर आपने ये चारों मंत्र एक एक साथ में थोड़े थोड़े फिर से दोबारा से वो बोलोगे, दोबारा से बोलोगे। आपको मैं क्या कह रही, अगर आपने ये शिवरात्रि से शुरू करके आपने अगर इसको कंटिन्यूटी में कर लिया, पाशा लोगों, आपका बेड़ा पार, आपके दुनपत्नी में कितने भी दोष हो, ये पाखंड की दुकानें क्या बोलती है, आपके पत्नी में दोष है ना, ये गुरु चंडाल पूजा स्पेशल पंडित करेंगे हमारे, है कि नहीं, ये अरे अरे तुम्हारे ऊपर ये है, कोई घबराने वाली बात नहीं, क्यों पैसे ठूसने हमें, है कि नहीं। और अगर करना ही होगा अपने आसपास के पुजारी जी को बोल देना ये आपने करना है, बाकी जो चीजें बता रही हूँ, जो बाकी आपको आपको डर पर जाते हो, डरने वाली तो बात नहीं, जब हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ती है, सीधी सी बात है, अगर हमारे जो जिंदगी में कष्ट आते हैं अगर वो पूर्व जन्म के आधारित पे है, हमारी कर्मों से ठीक होंगे, तभी तो दान पुण्य बोलते, क्यों बोलते दान, क्यों बोलते,
बुध का बृहस्पति का शनि का दान क्यों बोलते, क्योंकि वहां पर हो सकता है पूर्व जन्म के आधार पर हमारे से कोई गलतियां हुई हो, लेकिन वो हमारे जब हमारे ध्यान साधने से ही ठीक होएगा। सीधी सी बात है। तो ये एक चीज मुझे आज आपको बतानी थी, आप ये चीज करो, और भी चीजें बतानी, और भी चीजें बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। वास्तु का क्लास ऑलरेडी एक क्लास पूरी हो गई है। अगर आपको करनी होगी मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। कंसल्टेशन के लिए भी व्हाट्सअप करना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पाशा लोगों को कंसल्टेशन रहती है ना। मेरे पास अभी असिस्टेंट नहीं, केसेस बढ़े जा रहे, रोज बोलती, फोन नहीं उठा पाती। व्हाट्सअप कर देना, नॉर्मल मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते आप? मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।